बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोज़्ज़द नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ उसका नाम है कैम्ब्रिज स्पाइस ग्राइंडर, और ये एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये स्टेनलेस स्टील की बॉडी में है और स्टेनलेस स्टील में ही इसका ग्राइंडर जग है। इसके फंक्शन फीचर्स में 400 ग्राम की कैपेसिटी है, लेकिन हमारी जो रिकमेंडेड कैपेसिटी है कि किस कैपेसिटी तक यूज़ करें वो है 300। इसके ब्लेड्स हैं स्टेनलेस स्टील के और इसका फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, और जो ग्राइंडर है ये डिटैचेबल है, मतलब यह है कि आप इजीली इसे मशीन से उतार कर आसानी से साफ़ कर सकते हैं। 2 ईयर्स की वारंटी के साथ, 2 साल की मोटर की वारंटी है इसकी। और इस टाइम हमने इसमें मसाला ग्राइंड करके इसकी क्वालिटी को चेक करना है। जो इंग्रेडिएंट्स हमने चूज़ की हैं उनमें है दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यकजा करके हम देखेंगे कि कैम्ब्रिज की क्या क्वालिटी है, इसने मसाला कैसा ग्राइंड किया है, ये आप देखेंगे इस वीडियो में। एक चीज़ की मैं वजाहत करता चलूं कि ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। जब तक इसे आप प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करेंगे मशीन नहीं चलेगी। जार को आप लगाएंगे इस तरीके से कि हैंडल इस लॉक के ऊपर आ जाए, और मुकम्मल घुमाएंगे कि ये कम्प्लीटली बंद हो जाए। ये इंग्रेडिएंट्स हमने सेलेक्ट कर ली हैं और अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे कैम्ब्रिज के मसाला ग्राइंड करने वाले ग्राइंडर में। जैसा कि देखा जा सकता है कि इसमें एक बहुत बड़ा स्टेनलेस स्टील का ब्लेड लगा हुआ है जो कि इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करता है, और इसका जार भी मुकम्मल स्टेनलेस स्टील का है। इस वक्त देखा जा सकता है कि मैंने इसके जार को 75% तक इंग्रेडिएंट से भर दिया है। इससे ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, बसूरत दीगर ब्लेड स्टक हो जाएगा और मोटर के जलने के चांसेस हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब तक इसका ढक्कन प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होगा ये ग्राइंडर ऑपरेट नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। सबसे पहले हम पल्स पे इसे थोड़ी देर चलाएंगे। उसका तरीकाकार ये है कि 1 सेकंड के लिए हम पल्स पे रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। वन पे ले जाएं स्पीड चार्जिंग, अब इसे 2 पे कर दें। कम वक्फे में हमने इसमें मसाला ग्राइंड किया है। अब हम मसाले की क्वालिटी को चेक करेंगे कि किस मियार का मसाला इसमें तैयार हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक पाउडर लाइक मसाला इसमें तैयार हुआ है। इसे कन्वर्ट कीजिए शाजी, और ये हमने उतार लिया इसे इसकी मोटर से और बर्तन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो डेले हैं इसमें बेहतरीन किस्म का मसाला ग्राइंड हो गया है कैम्ब्रिज स्पाइस ग्राइंडर में। कॉफ़ी ग्राइंडर में सिर्फ मसाला जात ही ग्राइंड नहीं होते, बल्कि हम इसमें बेहतरीन कॉफ़ी भी ग्राइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।